आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। कैंट एवं सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने लूट एवं डकैती में वांछित 25,000 रुपए के इनामी अपराधी मनोज साहनी उर्फ टमाटर को किया गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक लाइन प्रभारी पुलिस अधीक्षक नगर राहुल भाटी ने दी जानकारी। लंबे समय से गैर हाजिर चल रहे एक दरोगा, 6 सिपाही, 2 महिला सिपाही एवं 1 अनुचर सहित कुल 10 पुलिसकर्मियों को घोर अनुशासनहीनता एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में एसएसपी ने तत्काल प्रभाव से किया निलंबित। सभी के विरुद्ध करवाई जा रही है विभागीय जांच। गाजियाबाद से गोरखपुर लाए गए एक ट्रक पर लदे 84 बोरे प्रतिबंधित और अवैध पॉलीथीन के एक बड़े जखीरे को पुलिस और नगर निगम के प्रवर्तन दल की संयुक्त टीम ने किया जब्त। सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह ने कहा, की जा रही है विधिक कार्यवाही। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शनिवार को रेलवे सुरक्षा बल पूर्वोत्तर रेलवे के तीनों मंडल से बाइक सवार पहुंचे महाप्रबंधक कार्यालय। मुख्य सुरक्षा आयुक्त तारिक अहमद ने सभी बाइकर्स का किया स्वागत। कहा, बाइक रैली और रेलवे का बैंड अमृत महोत्सव का संदेश लेकर जाएंगे चंपारण, 14 अगस्त को पहुंचेंगे दिल्ली। सदर तहसील सभागार में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर कुलदीप मीणा की अध्यक्षता में तहसील समाधान दिवस का किया गया आयोजन। कहा, फरियादियों की समस्याओं के कुछ मामलों का तत्काल किया गया निस्तारण, बाकी मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए गए निर्देश। एसएसपी ने चिरुआ ताल व पीपीगंज थाने का किया औचक निरीक्षण। खजनी तहसील पर डीएम व एसएसपी ने 172 फरियादियों की सुनी फरियाद। कहा, 7 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, बचे हुए मामलों के निस्तारण करने हेतु संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं निर्देश। ₹500 से ₹700 में सांसदों के कोटे की बर्थ बेच रहे दलाल को आरपीएफ, सीआईबी और सतर्कता विभाग की संयुक्त टीम ने किया गिरफ्तार। 3 सांसदों के साइन किए हुए मिले 35 लीटर पैड भेजा जेल। पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने कहा, रेलवे काउंटर या फिर आईआरसीटीसी या रेलवे द्वारा अधिकृत एजेंट से ही खरीदें हमेशा टिकट। भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री अचरा सिंह ने रामगढ़ ताल में वोटिंग का उठाया लुत्फ। मीडिया से हुई रूबरू। कहा, गोरखपुर में फिल्म सिटी बन जाने से स्थानीय कलाकारों को नहीं पड़ेगा भटकना। इस क्षेत्र में रोजगार की है अपार संभावनाएं, मौका मिला तो जरूर लड़ेंगी चुनाव। राजघाट पुलिस ने 47.60 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ एक अभियुक्त अभिषेक उर्फ भोपू को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। सावन के महीने में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने नगर के सभी मंदिरों पर व्यापक सफाई के साथ साथ चूने का छिड़काव और शाम को फॉगिंग करने के दिए निर्देश। कहा, नगर निगम के सफाई सुपरवाइजर एवं सफाई कर्मियों को दी गई है हिदायत। लूट की घटना में वांछित एक अभियुक्त को बांसगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के 2,000 रुपए नकद, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। और पूर्वांचल हिंदी मंच के तत्वाधान में गोरखपुर विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के पूर्व अध्यक्ष आचार्य सत्यनारायण त्रिपाठी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का किया गया आयोजन। लिया गया उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प।